नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी के द्वारा ली गई। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं तो आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे हम मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली। नरेंद्र मोदी के साथ कुल 72 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने मंत्री पद के तौर पर शपथ ग्रहण की। उन 72 मंत्रियों में से 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री इसमें शामिल हैं। वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हरियाणा से भी 3 सांसदों को मंत्री पद दिया गया है। तो हरियाणा से भी 3 ऐसे मंत्री जो कि केंद्र में शामिल किए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली है। एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जिसमें दुनिया के कई देशों के नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कुल 71 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है। प्रधानमंत्री को इंक्लूड कर दे तो यह संख्या हो जाती है 72। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और अब 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, 2014, 2024 और फिर 2019, और तीनों ही तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की है बतौर प्रधानमंत्री। पहली शपथ 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा ली गई, उसके बाद 2019 में भी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और आज 2024 में भी आपने देखा कि किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखे। तो ये तीनों ही तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। 2014 से लेकर के 2024 तक चेहरा एक ही, 3 बार शपथ, पहली शपथ 2014 में, फिर 2019 में और फिर आज 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। तो नरेंद्र मोदी के साथ 72 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर मंत्रियों के शपथ ग्रहण की अलग अलग तस्वीरों को भी दिखाते हैं, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से आज ये शपथ ग्रहण रहा। तो नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने शपथ ली, फिर अमित शाह ने शपथ ली, फिर नितिन गडकरी ने, फिर जेपी नड्डा ने, फिर शिवराज सिंह चौहान, फिर निर्मला सीतारमण, HD कुमार स्वामी और फिर पीयूष गोयल के द्वारा मंत्री पद की शपथ ली गई है। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि एक एक करके आपने देखा कि आज उन्होंने बतौर मंत्री शपथ ग्रहण की। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नितिन जयराम गडकरी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट
नहीं करूंगा। आई निर्मला सीतारामन डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फिनिश फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज माय ड्यूटीज एज अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन एंड दैट आई विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर ऑर फेवर अफेक्शन और इल विल। आई निर्मला सीतारामन डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन और पर्संस एनी मैटर विच शैल बी ब्रॉट अंडर माई कंसिडरेशन और शैल बिकम नोन टू मी एज अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज एज सच मिनिस्टर। आई सुब्रमण्यम जयशंकर डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड अलीजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एज अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन एंड दैट आई विल डू राइट to all manner of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor affection or ill will. I Subramanyam Jayashankar do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. Jo vishay sangh ke mantri ke roop mein mere vichar ke liye laya jayega athwa mujhe gyat hoga use kisi vyakti ya vyaktiyon ko tab ke sivaye jabki aise mantri ke roop mein अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं नई सरकार में किन मंत्रियों को जगह दी गई। तो आज मोदी 3.0 ने शपथ ग्रहण किया है और उसमें किन किन लोगों को जगह मिली है उनको आप देख लीजिए। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी, कुमार स्वामी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनको जगह मिली है। कुल 30 कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण की गई। तो वहीं इस बार केंद्र में हरियाणा का प्रभाव बढ़ा है। पिछली बार जहां केंद्र में सिर्फ 2 मंत्री थे तो अब की बार केंद्र में 3 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है। प्रदेश में जिन सांसदों ने मंत्री के रूप में शपथ ली है उसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल जो कि कैबिनेट में शामिल हुए हैं, राव इंद्रजीत सिंह को भी मंत्री बनाया गया है और कृष्ण पाल गुर्जर को भी मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। तो ये 3 वो चेहरे हैं जो कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा है और इन तीनों ने ही आज शपथ ग्रहण की है। मनोहर लाल जो कि करनाल से सांसद के तौर पर चुनकर के आए, राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम से सांसद के तौर पर पहुंचे और कृष्णपाल गुर्जर जो कि फरीदाबाद से चुनकर के आए, मोदी मंत्रिमंडल का ये तीनों चेहरे अब हिस्सा हैं। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इंद्रजीत सिंह डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a member of the State of Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Inderjeet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister of state. Main Krishan Pal Ishwar ki shapath leta hu ki main vidhi dwara sthapit bharat ke siddhant ke prati सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए मनोहर लाल के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। तो करनाल लोकसभा सीट से जीत दर्ज की मनोहर लाल ने और आज बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने मोदी 3.0 में शपथ ग्रहण की है। 232,577 वोटों से मनोहर लाल ने यह चुनाव जीता है। 2014 से ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। मोदी कैबिनेट में आज वो शामिल हुए हैं। बतौर कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने शपथ ग्रहण की है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए करनाल विधानसभा की जो सीट है उन्होंने छोड़ी और 2014 तक वो पार्टी के संगठनात्मक महासचिव के तौर पर भी काम कर रहे थे। 1977 में आरएसएस के साथ वो जुड़े और 14 साल काम करने के बाद फिर वो 2000 में बीजेपी में शामिल हुए और करनाल लोकसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की। और आइए अब आपको राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक सफर के बारे में भी बताते हैं। तो हरियाणा में जो दूसरा चेहरा है बतौर मिनिस्टर जिसने आज शपथ ली है उसमें गुरुग्राम लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले राव इंद्रजीत सिंह हैं। 75,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की और इस बार मोदी 3.0 कैबिनेट में उनको शामिल किया गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह के वो बेटे हैं और 1977 से लेकर के 2014 तक वो कांग्रेस में रहे। 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की कांग्रेस को छोड़कर और तब से वो गुरुग्राम सीट से आप देख रहे हैं बीजेपी की ओर से भी उन्होंने 3 बार चुनाव जीता है और छठी बार ऐसा है जब वो पहुंच रहे हैं लोकसभा। और अब चलिए आपको कृष्णपाल गुर्जर के बारे में भी ग्राफिक के जरिए बताते हैं इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है।
तो फरीदाबाद सीट से जीत की हैट्रिक कृष्णपाल गुर्जर ने लगाई है, यानी कि तीसरी बार ऐसा है जब वो जीते हैं और 1,70,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जो जीत है वो हासिल की है। और मोदी सरकार के पहले और दूसरे टर्म में भी वो राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, इस बार भी उनको शामिल किया गया है। 1994 में बीजेपी में रहते हुए सबसे पहले उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा, 96 में फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने जीता, और उसके बाद बंसीलाल सरकार में वो परिवहन मंत्री भी रहे। तो हरियाणा बीजेपी के वो अध्यक्ष भी रहे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।